आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम आपको बिल्कुल नई तरीके के सेवैया या जवे बना के दिखाते हैं। ये हमने आधा बाउल जवे लिए हैं और एक चौथाई बाउल मटर लिया है। ये आधा बाउल प्याज लिया है, वो काट ली थी मैंने, और हरी मिर्च लिए एक, थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी राई और 7-8 काजू, और ये नमक लिया है मैंने आधा चम्मच। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा पैन रख दिया है ना, उसमें हम थोड़ा ऑयल डालते रहते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इन काजुओं को डालकर तोड़ लेते हैं मैंने, अब इनको हम सुनहरा कर लेते हैं। अब हमारे काजू सुनहरे हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेते हैं। अभी इसी ऑयल में हम थोड़ी सरसों डाल देते हैं और थोड़ी सी हम राई भी डालते हैं। राई चटक के बाहर ना आए इसलिए हम इसको ढक देते हैं। अब हमारी राई सरसों भुन गई है, अब इसके अंदर हम प्याज डालते हैं और इसको भी हम भून लेते हैं। अब हमारी प्याज भुन चुकी है, अब हम इसके अंदर ये मटर डाल देते हैं और हम हरी मिर्च भी डालते हैं और ये हम नमक भी डाल देते हैं। हमने नमक भी डाल दिया है और अब हम इसके अंदर हम चलाकर थोड़ा पानी डाल देते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, अपने नाश्ते में भी खा सकते हैं। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। हमारे आधा बाउल जवे थे तो हमने एक बाउल पानी डाल दिया है, अब इसको हम ढक देते हैं। इसको उबाल आने तक ढकना है और उबाल आने, अब देखते हैं हमारे पानी में उबाल आ गया है। अब हम इसके अंदर ये जवे ऐड कर देते हैं। ये जवे हमने इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको चला दिया है और इसमें थोड़ी सी 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच करके हम इसको ढक देते हैं। अब 5 मिनट हो गए, हम इनको इसको उतार कर देखते हैं कि भाई हमारे जवे तैयार होंगे। अब हम देखते हैं, हाँ हमारे जवे बिल्कुल पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इन काजुओं को भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और मिला देते हैं। इसमें हल्दी और लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है, ये बिल्कुल बनाने आसान है, कभी भी आप बना सकते हैं। अपने घर में आप बना कर मुझे कमेंट में लिखना कि आपको ये कैसे लगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद, अगली बार मिलते हैं किसी नई चीज़ के साथ।